वेव ऑप्टिक्स में आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। कितना बेंड होती है और किधर को बेंड होती है ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पर, मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। हमने पहले भी पढ़ा था ये चीज़ कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे इंटर करती है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये नॉर्मल ड्रा किया तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और ये रे बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू डेंसर मीडियम। तो जब डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जो नॉर्मल से एंगल बनता है उस स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम ये देखते हैं कि ये प्लेन वेव क्या होता है। तो जब स्फेरिकल वेव या सिलिंड्रिकल वेव ग्रो करते करते बहुत आगे बढ़ जाती है तो हम डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा पार्ट उसका कंसीडर करते हैं तो वो पार्ट का कर्वेचर बहुत कम होता है, लगभग ज़ीरो के बराबर होता है, तो वो हमें एक स्ट्रेट दिखाई पड़ता है। तो वो वेव फ्रंट को अगर हम कंसीडर करें तो वो बनती है प्लेन वेव। जैसे ये हमारी एक प्लेन ये वेव फ्रंट है, ये काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर हमने कंसीडर किया है एक छोटा सा पार्ट, और ये उस पर रेज है परपेंडिकुलर, तो इसी को हम कहते हैं प्लेन वेव। तो ये वेव फ्रंट जब रेयर मीडियम में है और इसने इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच किया तो इस रे के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वेव फ्रंट जब डेंसर मीडियम के अंदर आ जाएगा इस तरह से तो अब ये रे का एंगल नॉर्मल के साथ जो बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर, और साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मुझे ये प्रूफ करना है इसी चैप्टर में और इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रेयर मीडियम, और ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है डेंसर मीडियम, और ये उसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ए बी वेव फ्रंट है, उसकी ये रेज हैं, तो ये इंसिडेंट रे है, और ए से जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके साथ जो एंगल बनेगा इस इंसिडेंट रे का वो एंगल आई होगा, और जिस वक्त इस वेव फ्रंट ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच किया पॉइंट ए पर उस वक्त के टाइम को हमने ज़ीरो रिगार्ड कर लिया, और अब ये कुछ देर के बाद ये डेंसर मीडियम के अंदर चला जाएगा। इस तरह से ये डेंसर मीडियम में रह जाएगी और ये बी पॉइंट डी तक पहुंच जाएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी बी पॉइंट का जो डिस्टरबेंस है जब वो डी पॉइंट तक पहुंचेगा टी टाइम में मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस होगी स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इनटू टाइम। तो माना स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम जो है वी वन है और डेंसर मीडियम में वी टू है, तो बी से डी तक की डिस्टेंस वी वन डी होगी। और स्नेल्स लॉ कहता है कि वेव फ्रंट का हर पार्टिकल एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है, तो ये बी के ऊपर जो पार्टिकल है वो भी एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा और वेवलेट्स बनाएगा, और वेवलेट्स की डिस्टेंस कितनी लेंगे वी वन टी। तो वी वन टी डिस्टेंस लेकर अगर हम बी को सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रा करें तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। तो जिस समय ये बी नई वेवलेट्स बना रहा था उस वक्त
ए के ऊपर जो पार्टिकल था वो भी वेवलेट्स बना रहा होगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ पर टाइम तो दोनों का बराबर है, यहाँ पर वेलोसिटी वी टू है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वी टू टी। तो हम वी टू टी डिस्टेंस का रेडियस लेकर अगर ए को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करें तो ये हमें मिलेगा सेकेंडरी वेवलेट्स, और इसको हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर तो हमको मिलेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये सब हमने डिटेल में समझाया था पिछले वीडियो में, और अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बात और जल्दी समझ में आएगी और अच्छी तरीका समझ में आ जाएगी। तो इसने ये हमको मिल गया आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट ने जो इस आर्क को टच किया, इस पॉइंट को एफ मान लिया, तो ये ए से एफ तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे वी टू टी, और ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो अब रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब हम इसमें ज्योमेट्री लगाएंगे कि ये एंगल एम ए बी 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आई। इसी तरह से ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल बी ए डी हो जाएगा आई, 90 माइनस आई। इसको लिख लेते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू आई। इसी तरह से अब ट्रायंगल ए डी एफ को कंसीडर करते हैं, तो ए डी एफ में ये एंगल 90 डिग्री है, ये नॉर्मल के साथ बन रहा है रिफ्टिंग सरफेस का, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आर, तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा आर, तो एंगल ए डी एफ आर हो जाएगा, तो एंगल ए डी एफ आर लिख लिया। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बी ए डी एंगल आई है, तो आई के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होगी, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो साइन आई इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। इसी तरह से ये एंगल 90 डिग्री है ए एफ डी, और ए डी एफ एंगल आर है, तो इस आर के सामने ए एफ लाइन जो है वो ए एफ साइड जो है वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और ए डी कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल में साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आर, सॉरी इसमें ट्रायंगल में साइन आर इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये बी डी अपॉन ए डी और ए एफ अपॉन ए डी, तो इसमें ए डी और ए डी तो कैंसिल आउट हो गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी, और बी डी की देखिए वैल्यू क्या है, डिस्टेंस वी वन टी, और ए एफ की डिस्टेंस है वी टू टी, तो ये हो जाएगा वी वन टी अपॉन वी टू टी, ये टी टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो देखिए वी वन जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम है, और वी टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, और ये कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि V1 अपॉन V2 जो है वो कांस्टेंट है, और ये और स्पीड इसकी कांस्टेंट होगी ही, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट है, और यही स्नेल्स लॉ है। द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
Thank you for watching the video. Goodbye.